दोस्तों आज ही संडे है और आज मैं आप लोगों का कुछ सवालों का जवाब यहाँ पे देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट करके या फिर दोस्तों इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बहुत सारा सवाल पूछा है। अगर आप भी अपना सवाल है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। अगर हमको लगेगा इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, आपका जो कमेंट है आपका कमेंट पे जवाब आपको मिलेगा हर संडे को। यहाँ पे दोस्तों आपका जो भी सवाल होगा, क्वेश्चन होगा, उसका आंसर यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे इस चैनल पे, राइट। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अभी तक किन लोगों ने क्या क्या पूछा है, उसका क्या जवाब है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, एक पर्सन ने यहाँ पे पूछा है कि जो हमारा जीमेल आईडी है, पासवर्ड, वो पता चल सकता है कि नहीं। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दे, ये पर्सन एक यहाँ पे अनवर जी पूछे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पता करने का, जीमेल आईडी पता चल सकता है ये दोस्तों, अगर जो आप अपना फोन का जो पासवर्ड है, पासवर्ड किसी को बताते हो, सामने वाला पर्सन को शेयर कर सकते हो, उस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे आपका जीमेल आईडी का जो पासवर्ड है वो पता चल सकता है, राइट। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जीमेल आईडी जो होता है वो क्रोम ब्राउजर में यहाँ पे सेव हो जाता है। अगर कोई भी बंदा आपका मोबाइल नंबर या मोबाइल का जो पासवर्ड है वो जान जाएगा, पता चल जाएगा, तो वहां पे इजिली दोस्तों क्रोम ब्राउजर को वहां पे एक्सेस कर लेगा, और एक्सेस करने के बाद दोस्तों वहां पे सेव होता है और वहां पे इजिली देख पाएगा कि आपका जो पासवर्ड है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, नेक्स्ट एक पर्सन ने पूछा है हाउ वापिस से फोटो कैसे दिखे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, एक वीडियो मैंने बनाया था हाउ टू सेंड वन टाइम फोटो ऑन इंस्टाग्राम, इसके इस वीडियो पे एक पर्सन ने कमेंट करके पूछा है। गाइस एक चीज बता दें, वन टाइम फोटो आप सेंड करते हो सामने वाला बंदा को तो वो एक बार ही देखता है, एक बार देखने के बाद उसके पास से फोटो जो होता है वो जो सिंबल होता है वो डिसेबल हो जाता है, और जो आप भेजे हो फोटो आपके पास से भी डिसेबल हो जाता है, खत्म हो जाता है, बस सिर्फ शो करता है कि आपने फोटो भेजा था, देखने के बाद दोनों तरफ से खत्म हो जाता है, तो आप नहीं देख सकते फिर से फोटो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एक पर्सन ने यहाँ पे पूछा है, वो है यहाँ पे सौरभ जी ने पूछा है गिफ्ट वाले चैट कैसे भेजे, प्लीज बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों हम आपको बता दें, गिफ्ट वाला चैट भेजने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इंस्टाग्राम को ओपन करना होगा। तो यहाँ पर जब देख सकते हो, इंस्टाग्राम ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको मैसेज वाला यहाँ पे सिंपल पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं यहाँ पे थ्री डॉट मिलेगा, ये थ्री डॉट आपको इधर भी मिल सकता है, कहीं भी मिलेगा, राइट। तो इस पर क्लिक करना होगा, यहाँ पे टूल्स में आना होगा। टूल्स में आने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको सेव रिप्लाई जो देख रहे हो इसमें आपको आगे कोई भी मैसेज को सेव कर लेना है। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे चैट ओपन करना है एक पर्सन का। चैट ओपन करने के बाद यहाँ पे सपोज इसको सेंड करना है, सपोज यहाँ पे दोस्तों आपको सेंड करना है आई लाइक यू। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो हमने टाइप कर लिया आई लाइक यू। इसको आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन आएगा, इसके लिए दोस्तों आपके फोन में मोबाइल डाटा ऑन होना चाहिए, राइट। तो इस पर क्लिक करना है, क्लिक करते ऊपर में आपको मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे कुछ बहुत तरह का, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एज अ इमोजी ही समझिए। यहाँ पे आपको जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, सेकंड वाला सिलेक्ट करना है और सेंड कर देना है। सामने वाला बंदा जैसे टच करेगा तो यहाँ पे ये गिफ्ट वाला ये मैसेज पॉप अप करेगा और उसके पास जाएगा। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा आज का कमेंट है, लास्ट ही है, इसमें जो ऐप है उस पर प्राइवेसी लगाने का सही तरीका बताइए प्लीज। तो गाइज हम आपको बता दें, जो SMS वाला एप्लीकेशन होता है, राइट, तो SMS वाला एप्लीकेशन में जो पासवर्ड आपको प्राइवेसी लगाना है उसके लिए सबसे पहले हो सकता है सेटिंग में आपको जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद मोबाइल में यहाँ पे हर एप्लीकेशन में पासवर्ड लगा सकते हो, आपको इजीली मालूम होगा। सेकंड स्टेप क्या हो सकता है, आपको अपना प्ले स्टोर में आना होगा और इसमें से दोस्तों ऐप लॉकर या ऐप बहुत सारा यहाँ पे ऐप लॉक करने के लिए अलग से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मिलता है, वो आप इजीली यूज कर सकते हो जो SMS ऐप है इसको आप प्राइवेसी करने के लिए। इसके साथ साथ एक और चीज आपको बता दें गाइस, यहाँ पे अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप किसी भी चैट को प्राइवेसी करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में SMS वाला एप्लीकेशन में ये चीज अवेलेबल नहीं है, आप लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों यहां पे ये SMS नॉर्मल सिस्टम का प्रोवाइड किया जाता है एप्लीकेशन, इसमें बहुत सारा फीचर नहीं दिया जाता है। लेकिन एक चीज कर सकते हैं, सपोज यहां पे सिलेक्ट करके यहां पे आर्काइव का एक ऑप्शन आता है, आर्चीव यहां पे कर सकते हैं, बहुत फोन में देता है बहुत फोन में नहीं देता है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट करके देखना होगा कि आप इसको हाइड कर सकते हैं या मेरे फोन में नहीं दे रहा है। वीवो फोन में मिलता है, ओप्पो फोन में मिलता है, ये MI का फोन है, राइट। तो यहाँ पे आर्काइव आप कर सकते हैं जिससे ये चैट हाइड हो जाएगा, राइट। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है, कोई भी डाउट आपके माइंड में है या फिर दोस्तों आप कहीं फंस रहे हो, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कमेंट कर सकते हो किसी वीडियो पे, या फिर दोस्तों इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। आपका जो भी सवाल होगा वो कमिंग जो भी संडे होगा उस संडे में आपका जवाब देने की कोशिश पूरा किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिल सके। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।